तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या रहने वाला है, इंटीजर, ठीक है। और दो प्रॉब्लम हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस की थी, वो बनाए दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने, रिपीट किए हैं दोनों प्रॉब्लम, रिपीट ज़रूर करनी है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये जो दो प्रॉब्लम्स थी ना जो बताई थी मैंने आप लोगों को, एक क्वेश्चन तो ये वाला था, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और एक क्वेश्चन हमारा ये था कि ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उन्हें रिपीट ज़रूर करना है, तभी आप सीख पाएंगे कुछ अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। घर जाकर उन्हें रिपीट ज़रूर करें होमवर्क कॉपी में अपनी। चलिए, तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है बेटा, अभी हमें उसे ही कॉन्टिन्यू करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने उसके ऊपर आएंगे, एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये बना, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ना ये बना, क्या है प्रॉब्लम जरा समझिए आप लोग, ठीक है। व्हाट इज टोटल चार्ज इन कूलम्ब एसोसिएटेड विद 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी आपको ये बताना है कि 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। आपके पास में 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होने वाला है आपको ये बताना है। देखो बेटा, अब मुझे आप एक बात बताओ कि हमारे पास में क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, बोलिए है या नहीं है। यहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, और स्मॉल ई का मतलब होता है एक पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। देखो यहाँ हमें पार्टिकल का नंबर नहीं दे रखा है, हमें पार्टिकल की क्वांटिटी दे रखी है, यानी पैकेट की क्वांटिटी दे रखी है। एक पैकेट में इतने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप समझिए, यानी आप ये समझिए कि ये पूरा पैकेट है हमारे पास में, इस पूरे पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पूरा पैकेट है हमारे पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है और पूरे पैकेट के अंदर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही भरा हुआ है, तो बताओ पूरे पैकेट के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव ही होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, पूरे पैकेट का जो मास हमें दे रखा है वो दे रखा है 75 किलोग्राम। ये पूरे पैकेट का मास हमें दे रखा है 75 किलोग्राम। हमें ये बताना है कि इस पैकेट के अंदर कितना चार्ज होगा। तो हमें पहले कुछ भी करके ये बताना पड़ेगा कि इस पैकेट के अंदर कितने पार्टिकल हैं, यानी इस पैकेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हमें ये बताना पड़ेगा इस पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये बताइए कि गिवन क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन दे रखे हैं या सबका मास आपको गिवन दे रखा है। मास गिवन दे रखा है, इसे नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताइए। पूरे के पूरे पैकेट का मास 75 kg है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो है 9×10^-31। भाई जैसे मैं कहूँ कि पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, इस पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबका मास 1000 kg है, 1000 kg सबका मास है। एक बच्चे का मास 50 kg है, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो आप कहोगे कि सर पूरी क्लासरूम का मास कितना है 1000, एक बच्चे का मास कितना है 50, 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे निकल जाएंगे। बताओ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ देखो, पूरे पैकेट का मास है 75 kg, पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर पूरे पैकेट के मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे कितने होंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में 75/, ये तो पूरे पैकेट का मास हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा आपके पास में ये 9×10^-31। बोलिए समझ आया या नहीं आया, बोलिए समझ आया नहीं आया। भाई पूरे पैकेट का मास 75 है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, हमने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए 75/9×10^+31। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में। समझ आ रही बात। अच्छा ये बताइए, पैकेट के अंदर कैसा पार्टिकल भरा हुआ है, नेगेटिव, तो पैकेट पर चार्ज कैसा होगा। पैकेट पर चार्ज भी नेगेटिव होगा, और चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, बोलिए होता है या नहीं होता है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बताइए कितने हैं आपके पास में। बेटा एन है आपके पास में ये 75/9
इंटू 10^31, और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल ई दिख रहा है आपको, इस स्मॉल ई की वैल्यू होती है ये 1.6 × 10^-19। ये स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनके आपस में, चार्ज निकल जाएगा कूलम में। कहाँ में निकलेगा? कूलम में। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। कितना चार्ज निकलेगा? -75/9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10^। बताओ ये कितना है? +31, और ये कितना है? -19। +31 और माइनस के 19 कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 बचेगा नहीं बचेगा? ये 31, ये माइनस के 19, 12 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इतने कूलम का चार्ज हमारे पास में आएगा। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि पैकेट के अंदर कौन सा पार्टिकल भरा हुआ है। पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो पूरे पैकेट के ऊपर भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ही होगा। हमें पैकेट की क्वांटिटी दे रखी है 75 kg। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 75 kg के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 75 kg में पार्टिकल होंगे कितने, कैसे निकालोगे कितने पार्टिकल होंगे? टोटल मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दोगे आप। कहाँ से डिवाइड कर दोगे? टोटल मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, एन निकल गया आपका। चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई, करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, अभी और बताता हूँ इसके बारे में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। पहले क्वेश्चन लिखिएगा आराम से, उसके बाद उसका आंसर आप नोट करिएगा। ये कैलकुलेट करके 13. ठीक है, -13.34 × 10^12 कूलम। ओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। बेटा मास नीचे करो तब बोलो। मैंने कहा मैंने नेगेटिव में क्यों लिया? क्योंकि देखो पैकेट के अंदर कैसा चार्ज है, अगर पैकेट के अंदर नेगेटिव है तो बताओ पूरे पैकेट पर भी तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव भरा हुआ है इसके अंदर, अगर सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है तो पूरे पैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, बोलो समझ आ गया? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एक कंसेप्ट आपके सामने ये हो गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। पैकेट में जैसे पार्टिकल होंगे वैसा ही चार्ज उसके ऊपर आएगा। अब अगली प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, सेम क्वेश्चन है, बहुत मामूली सा डिफरेंस कर रहा हूं मैं इस प्रॉब्लम के अंदर। एक तो इस बार मास हमें गिवन दे रखा है ओनली 1 kg। कितना मास गिवन दे रखा है? और इस बार पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस बार पैकेट के अंदर है प्रोटॉन्स। ठीक है, इस बार पैकेट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पैकेट के अंदर प्रोटॉन्स है। बात समझ में आ रही है? यानी आपको ये पैकेट दे रखा है, ये रहा पैकेट। ठीक, अब बताइए पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन्स है? और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहां मेंशन कर दिया बेटा इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मौजूद है। ऐसे बोलिए समझ आया नहीं आया? अगर पैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल ही है,
श्रेया बताओ कैसा चार्ज आएगा बेटा पैकेट के ऊपर? सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल है तो ओवरऑल पैकेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ई। बोलिए समझ आया नहीं आया? प्लस क्यू बना, समझ में आ गई बात? अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ कितने पॉजिटिव इसके अंदर मौजूद है, और ई का मतलब है एक प्रोटोन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है और प्रोटोन का चार्ज भी उतना ही होता है। अब ये एन हम कैसे निकालेंगे ये बताइए, पूरे पैकेट का मास कितना है बेटा आपके पास में? कितना है पूरे पैकेट का मास? हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे पैकेट के मास को, पिछली बार पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे तो हमने टोटल मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया था, इस बार पैकेट के अंदर प्रोटॉन भरे हुए हैं तो हम पूरे मास को प्रोटॉन के मास से डिवाइड करेंगे। एक प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएंगे। बोलिए समझ आया नहीं आया? भाई जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे पास में, मान लो कि पूरी क्लास के अंदर लड़के ही लड़के बैठे हुए हैं, बॉयज ही बॉयज बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर पूरी क्लास के अंदर गर्ल्स ही गर्ल्स बैठी हुई हैं तो वो प्रोटॉन हो गए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अगर मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, पूरी क्लास के मास को नंबर ऑफ गर्ल्स से मैं क्या कर दूंगा, एक गर्ल के मास से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए 1 किलोग्राम का मास है और एक प्रोटोन का मास हमारे पास में होता है इतना 1.67 × 10⁻²⁷। लिख लेना इसे, वैसे तो ये आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा, गिवन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? नहीं, लेकिन फिर भी अगर गिवन ना मिले तो 1% आपको ये वैल्यू याद रखनी है। हमने टोटल मास को एक प्रोटोन के मास से डिवाइड कर दिया। सो अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटोन कितने निकल कर आए बेटा मेरे पास में, 1/1.67, क्लियर? 10⁻²⁷ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻²⁷ बनेगा या नहीं बनेगा? इतने प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास में। अरे बोलिए होंगे इतने प्रोटॉन्स? बोलिए समझ आया नहीं आया? एक किलोग्राम को एक प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे निकल गए। अब बताइए चार्ज का फॉर्मूला क्या है? चार्ज का फॉर्मूला है प्लस एन ई, है ना, प्लस एन ई। अब बताइए एन की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास में? एन की वैल्यू आई है 1/1.67 × 10⁻²⁷। हो गई n की वैल्यू। और e की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 1.6 × 10⁻¹⁹। होगी या नहीं होगी? ये अप्रोक्सीमेटली इसे कैंसिल आउट कर देगा, अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली नहीं, मैंने अप्रोक्सीमेटली दोनों को डिवाइड कर दिया। ये भी 1.6, ये भी 1.6, मैंने डिवाइड कर दिया। ये कितना है 10⁻²⁷, ये कितना है 10⁻¹⁹। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, सॉल्व करेंगे तो बचेगा 10⁻⁸ कूलम। बताइए बचेगा या नहीं बचेगा? तो बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हमारे पास में आने वाला है। तो पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद में फिर आप आगे का काम करोगे बेटा, ठीक है? करिए आगे सॉल्व फटाफट। वन केजी से क्या कर सकते हैं? नहीं 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 ऐसे नहीं, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकालने ही पड़ेंगे आपको, वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है? अब आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल चुका है और आपको प्रोटॉन का मास भी पता चल चुका है, ठीक है? दोनों के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने आपको आइडिया दे दिया है कि भाई ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। समझ आई या नहीं आई? ठीक है, हो गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। अनमोल, समझ में आई बात? पक्का? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से,
और देखते हैं कि आगे हमारे पास में कैसी प्रॉब्लम आएगी। अभी मैंने आपको दो एक ही सवाल में दो फॉर्म बताई हैं, ठीक है। मैं आगे का क्वेश्चन बताकर पीछे लौट कर आऊँगा दोबारा से, और यही क्वेश्चन मैं आपसे करा कर देखूंगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है, नोट पॉइंट है हमारे पास में, हमें एक बॉडी दे रखी है, ये रही बॉडी, और हमें कह रखा है कि ये बॉडी है न्यूट्रल। क्या है बेटा? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जिसका चार्ज होगा जीरो। कितना चार्ज होगा? क्या तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी का चार्ज होगा जीरो, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। हम कुछ भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज जीरो है। देखो एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मैंने ये कहा कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव वो नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा या नहीं कर देगा, और टोटल चार्ज कितना बन जाएगा मेरे पास में? जीरो। अब देखिए ध्यान से, मुझे ये कहा कि बेटा ये बॉडी है मेरे पास में, और इस बॉडी का इतना ग्राम है मेरे पास में, एम ग्राम है मेरे पास में, इस बॉडी के इतने ग्राम मेरे पास में मौजूद है। समझ में आ रही बात? अब जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है इसके अंदर? नेगेटिव। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। तो पहले तो आप ये समझ लें, इसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। जब भी न्यूट्रल बॉडी की बात किसी क्वेश्चन में आएगी, आप एकदम से कहेंगे कि सर जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और उस चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका है मास। मास को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से, समझ में आ रही बात? मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, एन नॉट से। यहाँ रखेंगे जेड, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को निकालने का तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी। बेटा एग्जाम्पल मेरे पास में ये है, ये कहा गया फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 10 ग्राम ऑफ, देखो ध्यान से बात सुनिएगा, इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताइए, कहाँ की बात हो रही है? Na की बात हो रही है। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव तो नहीं है इसके ऊपर, कोई मैंने प्लस लगा रखा हो, कोई मैंने माइनस लगा रखा हो, कुछ लगा तो नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सोडियम है ये अभी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। ये जो सोडियम है ये अभी पूरी तरीके से कैसा है बेटा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल के बारे में आप ये समझेंगे कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। अब उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फॉर्मूला है आपके पास में ये, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। न्यूट्रल बॉडी के लिए ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, मास कितना दे रखा है आपको? m। सोडियम का मास कितना दे रखा है आप लोगों को? कितना मास दिया है? 10 ग्राम दिया है। दिया है या नहीं दिया है? यस और नो में जवाब दीजिए, गिवन है या नहीं है। अपॉन में है कैपिटल m। कैपिटल m का मतलब होता है सोडियम का एटॉमिक मास। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको यहाँ आनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। कितना होता है? ये सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। समझ में आ रही है बात? ओके। एन नॉट यानी एवोगैड्रो नंबर, याद है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मैं सीधा डायरेक्ट वैल्यू यहां यूज करूंगा 6 इंटू 10 की पावर 23। बताइए समझ आ रही है क्या बात? ठीक है। अब ये बताइए कि सोडियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। देखो यार, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब ठीक है हम बहुत बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। हमने यहाँ रख दिया 11, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलम, यानी 10 ग्राम सोडियम में 10 ग्राम सोडियम में इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा
और बिल्कुल इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देगा तो न्यूट्रल बनी रहेगी बॉडी। इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही नेगेटिव चार्ज है। कैलकुलेट करते हैं इसे जरा। प्लस माइनस 10/23 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 1.6, ये सारी वैल्यूज को हमने एक जगह लिख दिया बेटा, लिख दिया, बात समझ में आ रही है। ये 10 की पावर कितना है और ये 10 की पावर -19, प्लस 23 और -19, बताइए कितना आएगा, 10 की पावर 4 आएगा या नहीं आएगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड का काम तो आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 23 से डिवाइड करेंगे तो 10 ग्राम सोडियम में इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा और बिल्कुल इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा 10 ग्राम सोडियम में। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये तरीका आपके पास में रहने वाला है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल बॉडी के लिए वैलिड है। कौन सी बॉडी के लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल बॉडी के लिए वैलिड है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल 1 है, जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे पूरा सॉल्व करके। पूरा ये ऊपर वाला या नीचे वाला? अच्छा कितना आ रहा है? 48 इंटू 10 की पावर 4 कूलम प्लस माइनस। कौन से वाला? ये वाला। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये यही पढ़ा है ना। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने का तरीका है, पहले आप एटम का नंबर निकाल दो। एटम के नंबर निकालने का तरीका होता है मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में सिखाया जाता है हमें। इतने एटम होते हैं और अगर एटम को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात? आपको 11th का रिवाइज ना करना पड़े इसीलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। स्मॉल m मास, कैपिटल m एटॉमिक मास, ये एवोगाड्रो नंबर, ये है एटॉमिक नंबर और ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रल बॉडी के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। बोलो बेटा समझ आ गया क्या? ठीक है, तो जब भी आपको न्यूट्रल बॉडी का चार्ज निकालना होगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। हम और एग्जांपल इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप ये देखो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास में ये है, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन 1 cup of water. Find positive charge in 1 cup of water. ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर आप मुझे ये बताइए, बात हो रही है 1 cup of water की। पानी का जो 1 cup होगा वो न्यूट्रल होगा या नहीं होगा? क्या वाटर के ऊपर पहले से कोई चार्ज होता है?
अरे आप अपने बेसिक नॉलेज से बताइए, क्या वाटर के ऊपर पहले से कोई चार्ज होता है? पानी के ऊपर कोई चार्ज होता है? अगर पानी के ऊपर चार्ज होता, जब तुम पानी को तुम लोग पियोगे तो तुम्हें शौक लगेगा एकदम से। अगर उसके ऊपर चार्ज होगा तो तुम्हें शौक लगेगा। क्या तुम्हें शौक लगता है पानी पीते समय? नहीं। इसका मतलब है कि पानी के ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है, यानी वाटर न्यूट्रल है। वाटर कैसा है? और जो बॉडी न्यूट्रल होती है, हम क्या कहते हैं उसके बारे में, कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो, कहते हैं या नहीं कहते हैं? बात समझ में आ रही है? अब फिजिक्स में वन कप का जो मतलब है बेटा, वन कप का जो मतलब है फिजिक्स में, एक कप का मतलब 250 ग्राम से होता है, टू कप का मतलब 500 ग्राम, थ्री कप 750 ग्राम, फोर कप 1000 ग्राम। एक कप का मतलब 250 ग्राम से है फिजिक्स में। ये बताओ कि पानी का एक कप न्यूट्रल है या नहीं है? यस और नो? अगर पानी का एक कप न्यूट्रल है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। बोलिए, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सही तरीके से अप्लाई करते हैं। कि कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे तरीके से। जरा श्रेया बताओ बेटा, स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी? 250, ठीक है। पार्थ, कैपिटल एम बताओ बेटा कितना होगा? कैपिटल एम यानी मॉलिकुलर मास, वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होने वाला है? बात हो रही है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। अरे है या नहीं है? H2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा? दो, और ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास 16 होगा। मॉलिकुलर मास की बात हो रही है, 16 होगा, 16 और दो कितना हो गया? 18। यानी कैपिटल एम की वैल्यू है हमारे पास में वाटर के लिए 18। समझ में आ गई बात? अच्छा, एन नॉट क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। कितनी होगी इसकी वैल्यू? 6 × 10³। अब आते हैं जेड पर। जेड का मतलब है कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर कह लो, या ये कह लो कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें हम जेड कहेंगे। ये बताइए, बात हो रही है H2 की, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, होता है? हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? दो, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? भाई यहाँ हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो कुल मिलाकर Z की वैल्यू क्या हो गई? 10। कुल मिलाकर Z की वैल्यू हो गई 10। यानी यहाँ Z की जगह हम पुट करेंगे 10 और स्मॉल e की वैल्यू है हमारे पास में 1.6 × 10⁻¹⁹। कुल बोलिए, समझ आया नहीं आया? अब सॉल्व करते हैं इसे। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 250 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ये 10 की पावर कितना है बेटा? बोलो। प्लस 23, और ये 10 की पावर कितना आएगा? 10 की पावर 4 कूलम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कर लोगे ना इसे सॉल्व? सबको मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड, करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। जी सर, उमंग सर बताइए, समझ आ गया क्या? ठीक है, आपको सर कुलवारिया साहब। तुम्हारा भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था हमारे लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। बोलो शर्मा जी, कितना आया सॉल्व करके? पूरा सॉल्व करके ये आया 1.3 × 10³। लो भैया, चेक कर लेना एक बार ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है,
क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बोलिए समझ आ गया है क्या? तो कब लगाएंगे ये फॉर्मूला आप लोग? फॉर न्यूट्रल बॉडी, ओनली फॉर न्यूट्रल बॉडी, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल बॉडी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, फाइंड नेगेटिव चार्ज इन टू कप ऑफ NaCl, ठीक है? अब बताइए NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट, क्या कॉमन सॉल्ट पर पहले से कोई चार्ज होता है? कॉमन सॉल्ट पर पहले से कोई चार्ज होता है? नहीं होता है। यानी कॉमन सॉल्ट ओवरऑल पूरी तरीके से न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। जितना उसके अंदर पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। आप एक कैलकुलेट कर दो, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है? चलिए अब आप मुझे बताइए टू कप का मतलब कितना है? पार्थ बोलो बेटा, टू कप हो गया है 500 ग्राम। क्लियर? हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला है प्लस माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू स्मॉल ई। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल m हो गया है 500। श्रेया कैपिटल M बताओ बेटा कितना होगा? Na का कितना होता है? 23, राइट? Cl का होता है 35.5, ठीक है? अब Na हो गया 23 और Cl का हो गया 35.5, दोनों को ऐड करो कितना हो गया? 58.5। हुआ या नहीं हुआ? 58.5। तो कैपिटल एम हो गया हमारे पास में 58.5। क्लियर? ओके एन नॉट कितना हुआ? 6 × 10³। उमंग जेड बताइए कितना होगा? एन ए के लिए क्या होता है? 11। एन ए में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होता है एटॉमिक नंबर। और सी एल का क्या होता है बेटा? सी एल का होता है 17, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए ना, 28। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कुला। बोलिए समझ आया नहीं है? सॉल्व करते हैं, क्या आंसर बनेगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 500 अपॉन 58.5 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 1.6 इंटू 10⁴ कूलम। ये प्लस माइनस का मतलब तो समझते हो ना क्या है? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है? जी देखो सर, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि मतलब होंगे तो रिड्यूस पक्का, ये तो श्योर है कि रिड्यूस तो होंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि रिड्यूस वाले आप मत पढ़ो, रिड्यूस के चक्कर में आप मत पढ़ो, आप पूरा सिलेबस पढ़ो, ठीक है? नहीं भाई, आप किस लिए पढ़ रहे हो? कि नॉलेज आप गेन कर सको। अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस हो गई, आगे चलकर उसका यूज़ हो गया, तो कहाँ से लाओगे वो इन्फॉर्मेशन? नहीं रहेगी ना आपके पास में इन्फॉर्मेशन। तो आप रिड्यूस के चक्कर में तो बिल्कुल मत पढ़ो, आप पूरा सिलेबस पढ़ो। आखिर में जब हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब हम रिड्यूस की बात करेंगे। हम तैयारी उतने ही करेंगे जितना रिड्यूस्ड होगा। हाँ फिर मैं रिड्यूस कराऊंगा, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? सो
उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके दिखाएं अपने आप से, बिल्कुल ठीक है। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन। बोलूं 20 × 10⁶ कूलम्ब, यही है ठीक है। लिखिए आप एक क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर। फाइंड द पॉजिटिव चार्ज, फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन 75 ग्राम ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन 75 ग्राम ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी तो मुझसे पूछ लेना। KCl ठीक है, K का मास नंबर, K का रहेगा 40, Cl का रहेगा 35.5, तो कितना हो गया टोटल 75.5। जल्दबाजी मत करो ठीक है। K का रहेगा 40, Cl का रहेगा 35.5, तो ये हो गया 75.5। बाकी K का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 ठीक है, और Cl का कितना होता है 17 ठीक है। हाँ बेटा, बनाया किसी ने? कैसे करोगे अप्लाई हमें ये बताइए। बात हो रही है 75 ग्राम ऑफ KCl, यही है ना। यहां देखिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई ठीक है। अतुल बताओ स्मॉल m की जगह क्या पुट करेंगे बेटा। 75 हो गया, कैपिटल m की जगह बताओ क्या रखेंगे। k का कितना हो जाएगा 40, और Cl कितना होगा राइट सॉरी 75.5 राइट, और एन नॉट कितना होगा। ओके गुड, जेड बताइए उमंग, आप बताएंगे जेड 36। के अंदर होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन और सीएल में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। 19 और 17 कितना हो गया 36, जेड की जगह आएगा 36 और E की जगह आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 3.4 × 10⁶। श्रेया यही बनाया आंसर आपका। पार्थ आपने एक्यूरेट नहीं बनाया। ओके पीछे अनमोल समझ आया, इधर देखो मेरी तरफ। कैपिटल M की जगह क्या रखना है समझ में आया, Z की जगह क्या रखना है समझ में आया ठीक है। अब देखो हम एक प्रॉब्लम वो करते हैं जो हमसे एग्जाम के अंदर पूछी गई है। एक क्वेश्चन यहाँ ऐसा है जो हम लोगों से ना बेटा एग्जाम में पूछा गया है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन, पहले लिख लीजिए आप लोग अब सभी अपनी कॉपी के अंदर।
ठीक है। अब बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले बताइए कहाँ की बात हो रही है, क्या लिखा हुआ है ये न्यूट्रल। क्या मतलब है न्यूट्रल वाटर का? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। न्यूट्रल वाटर ने इक्वल अमाउंट पॉजिटिव में इक्वल अमाउंट नेगेटिव में कंटेन किया हुआ है। हमें कौन सा चार्ज बताना है इसके ऊपर बेटा, कौन सा चार्ज बताना है? कोई भी निकाल दो, जो फॉर्मूला है वो दोनों चार्ज निकालने का है, प्लस भी आएगा उससे माइनस भी आएगा उसके अंदर। अब आप बताइए कि हमें गिवन क्या दिया है बेटा, क्या गिवन दिया है हमें? हमें गिवन दिया है वॉल्यूम। क्या गिवन दिया है? कितना दे रखा है वॉल्यूम ये बताइए आप हमें। वॉल्यूम है अपने पास में 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ी सी बेसिक बात है, आप अच्छे तरीके से बात को ध्यान से समझेंगे। इतना वॉल्यूम आपको दे रखा है। हम ये कहेंगे कि एक सेंटीमीटर क्यूब में पानी की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वो ये कहती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम होता है। अगर कभी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या होती है वाटर की डेंसिटी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या नहीं होती है? यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है। और यहाँ कितने सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास में? 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए कुल मिलाकर टोटल मास कितना हो गया हमारे पास में? हमारे पास में टोटल मास हो गया है 250 ग्राम। ये बताइए कि मास कैसे निकाला, ये समझ में आया या नहीं आया? बेटा वाटर की बात हो रही है, वॉल्यूम मुझे इतना गिवन दिया है और मैं जानता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है, तो मास हो गया मेरे पास में 250 ग्राम। बात किसकी हो रही है? वाटर की। अरे हो रही है ना बात वाटर की, तो बताइए वाटर के लिए कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एम की वैल्यू होगी 18, ओ के लिए 16, एच टू के लिए 2, तो कुल मिलाकर हो गया 18। जेड कितना होगा? जेड कितना होगा? वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एच कितने हैं? 2। एक एच में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 एच में 2 इलेक्ट्रॉन। अनमोल बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था। फॉर्मूला बनाओ, और वैल्यू पुट करो इसके अंदर और आंसर निकल जाएगा। अब बताइए किसी भी न्यूट्रल बॉडी का चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बताइए समझ में आ गया क्या? देखो वाटर की बात हो रही है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी सुना है कभी? डेंसिटी क्या होती है वाटर की? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है बेटा। इसका मतलब यह है, समझ आ रही बात? अब हमारे पास में कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम है, 250 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 250 ग्राम। मास हो गया 250, कैपिटल M हो गया 18, Z हो गया 10, न्यूट्रल है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। बोलो समझ आ गया क्या? तो आज की क्लास से आप सीख चुके हैं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर कैसे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। बताइए समझ आ गई क्या बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे कैसे। फॉर्मूलों में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी है बेटा 2 बातें? मास तो आपको गिवन ही मिलेगा, क्या तो कप की फॉर्म में गिवन मिलेगा या आपको सीधा गिवन मिलेगा? कप का मतलब आप जानते हो, 1 कप 250 ग्राम, या सीधा गिवन मिलेगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी है? जेड और कैपिटल एम। क्या तो आपको ध्यान रखना है जेड का, या आपको ध्यान रखना है कैपिटल एम का। जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर और कैपिटल एम का मतलब है मास नंबर। समझ में आ रही बात? या मॉलिक्यूलर मास हम इसे कहेंगे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको कराए हैं, आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर सभी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे और उन्हें आप दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्राइडे आपकी होमवर्क कॉपी चेक होगी, ठीक है।